नाजरीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं नाजिया चौधरी। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। तीन पार्लिमानी कमेटियों को आज जीएचक्यू में ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की फौजी क़यादत आज दाखिली और खारजी सिक्योरिटी बशमूल कश्मीर पर तीन पार्लिमानी कमेटियों को जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू में ब्रीफिंग दी जाएगी। जो कमेटियां ब्रीफिंग के लिए जीएचक्यू जाएंगी, इनमें एक पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा शामिल हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस के 22 मजीद 16 गलियां सील कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्टर E11, 4, G7, 2, G9, 1, G9, 2, I10, 2, I10, 4 में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। G9, 3 में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर 8 गलियां सील कर दी गई। पुलिस को तमाम गलियाँ सील करने की हिदायत दे दी गई है। मौका मिला तो कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। नवाज शरीफ की लीडरशिप में 5 वर्षों के दौरान बिजली के अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए थे। मौका मिला तो कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ। आतिशगीर गुब्बारों और सरहदी झड़पों के बाद इसराइल की गजा पर बमबारी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा के शहरियों के सरहद पर फोर्स के साथ झड़प और जनूबी इसराइल में आतिशगीर गुब्बारे फेंके जाने के बाद एयरफोर्स ने गजा में 2 मकामात पर हमला किया। भारतीय वजीर दिफा के दहशतगर्दी से मुतलिक इल्जामात मुस्तरद। रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने बैनुल अक्वामी बरादरी के साथ भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ तखरीब कारी की नाकाबिल तरदीद सबूत पेश किए हैं। अमेरिका में कम उम्र की शादी की पाबंदी पर नायला का कानून क्यों कहा जा रहा है? मैं नहीं चाहती कि कम उम्री और ज़बरदस्ती की शादी में मैंने जो अजाब सहे हैं वो दुनिया की किसी और औरत को बर्दाश्त करने पड़े। मेरी जदोजहद सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमानों और तरक्की पज़ीर ममालिक के शहरियों ही के लिए नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और बाकी दुनिया का भी बहुत बड़ा मसला है। इब्रारुल हक का बेबी शार्क के मुतलिक बयान। मारूफ गुलगार इब्रारुल हक की जानिब से हाल ही में नई नस्ल की परवरिश के हवाले से माओं की तरबियत पर कही गई बातों पर शोबिस शख्सियत मुनकसिम दिखाई दे रही है। इब्रारुल हक ने हाल ही में मुनक्किद एक तकरीब में कहा था कि जब वो बच्चे थे तो उस वक्त की माएँ बच्चों को गोद में सुलाते हुए इस्लामिक कलमात सुनाती थी। गुलकार ने कहा था कि आजकल की माएँ बच्चों को मोबाइल फ़ोन देकर इस पर बेबी शार्क गाना लगा देती हैं। उन्होंने मुनफरिद अंदाज में बच्चों और बड़ों के मकबूल गाने बेबी शार्क को गाकर भी दिखाया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com।